हाँ, सबसे पहले बात करेंगे नौटंकीबाज मेयर की। जी हाँ, मेयर मनोज गर्ग की नौटंकी से उठा पर्दा, पकड़ा गया मेयर मनोज गर्ग का सफेद झूठ। मेयर के सर पर लगे टांके की बात झूठी हो रही है साबित। सोशल मीडिया पर जारी मेयर के वीडियो ने मचाई खलबली। अस्पताल में आराम से फोन पर व्यस्त हैं मेयर मनोज गर्ग। मंत्री सतपाल महाराज और मदन कौशिक के समर्थकों में हुई थी मारपीट। घटना के बाद नर्सिंग होम में भर्ती हुए थे मेयर मनोज गर्ग। सिर पर कई टांके आने की बात कही थी, मगर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो बता रहा है सच। मदन कौशिक के भाई नरेश शर्मा भी जख्मी होने की कर रहे एक्टिंग। अगले साल हरिद्वार में होने वाले नगर निगम चुनाव की है ये पूरी जोर आजमाइश, जिसके चलते ये देखिए दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, असलियत क्या है। दरअसल वायरल वीडियो से सामने आई है सच्चाई। घायल होने का नाटक कर रहे हैं मेयर मनोज गर्ग, और दूसरी तस्वीर भी आप देख सकते हैं, असलियत सामने आ गई है। न सिर्फ मनोज गर्ग बल्कि मदन कौशिक के भाई की भी असलियत सामने आ गई है, वो भी किस तरीके से जख्मी होने की एक्टिंग करते हुए नजर आए। और चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं हरिद्वार, जहां से हमारे संवाददाता आशीष मिश्रा जुड़ गए हमारे साथ फोन लाइन पर। आशीष, ये दो तस्वीरें तो बता रही हैं कि दोनों ही एक्टिंग कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। बिल्कुल गायत्री, तस्वीरों से बिल्कुल साफ है। और सबसे बड़ी बात है कि हरिद्वार में अगले साल नगर निगम के चुनाव होने हैं, ऐसे में जाहिर है कि जो खुद इस कांड के बाद जो है मेयर पूरी तरह से जो जनता की संवेदनाएं लेने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि हर साल पानी भरता है यहाँ के इलाकों में, और हर साल बकायदा जो है यहाँ पर अतिक्रमण हटाया भी जाता है, लेकिन आखिर की इसी साल, चूंकि अगले साल चुनाव होने हैं, आखिर की कल वो क्यों हटाने पहुंचे वहां पर जो स्लैब थी सतपाल महाराज के आश्रम के बाहर, नंबर एक बात। दूसरी बात ये है कि जब ये पूरा कांड हुआ, मारपीट हुई, उसके तुरंत बाद वो हॉस्पिटल में निजी नर्सिंग होम में भर्ती हुए, और जो वीडियो है आप साफ देख रहे हैं कि फोन पे बातें कर रहे हैं, आराम से बातें कर रहे हैं। बाद में उनके टाके आने की बात कही गई, उसके बाद में तमाम बातें कही गई कि उनकी काफी गंभीर चोटें आई हैं, लेकिन वीडियो में साफ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि आज सुबह तो सबसे बड़ी बात ये हुई कि उन्हें देहरादून के CMI हॉस्पिटल में बताकर रेफर तक कर दिया गया। कुल मिलाकर जनता की संवेदनाएं लेने की कोशिश है, जनता के सरोकारों से किसी को मतलब नहीं है। हर साल पानी भरता है, कई कई फिट पानी भर जाता है, लोगों के घरों में पानी भरता है, लेकिन नगर निगम के सारे जो दावे हैं वो झूठे साबित होते हैं। लेकिन मेयर मनोज गर्ग ने पिछले 4 सालों से कुछ नहीं किया, क्योंकि अगले साल चुनाव है, तो ऐसे में ये पूरी नौटंकी फैलाकर कहीं ना कहीं जो है जनता की संवेदनाएं हासिल करना चाहते हैं गायत्री। बिल्कुल, जनता की संवेदनाएं हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जनता के साथ झूठ बोलकर ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करी। आशीष, आप हमारे साथ रहिए। तो ये मनोज गर्ग मेयर हैं जिनकी तरफ से झूठ बोला गया कि उनको मारपीट के बीच वो जख्मी हुए हैं, उनको टांके आए हैं, लेकिन दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से असलियत उनकी सामने आ गई है। भले चंगे तस्वीर में नजर आ रहे हैं, फोन पर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे साफ पता चलता है कि किसी तरीके का कोई जख्म उनको नहीं आया है। नगर निगम में पार्षदों ने की तालाबंदी, मेयर पर हमले के विरोध में की तालाबंदी। नगर निगम के कर्मचारी भी पार्षदों के साथ तालाबंदी में शामिल। MNA को नगर निगम से लौटाया, जिलाधिकारी को सौंपेंगे ज्ञापन। घटना को राजनीतिक रंग देने में जुटे हैं मेयर के समर्थक। तो मेयर पर हमले के विरोध में की तालाबंदी, ये इस वक्त की अहम खबर आपको बता रहे हैं। नगर निगम के कर्मचारी भी पार्षदों के साथ तालाबंदी में शामिल हैं। तो MNA को नगर निगम से लौटाया, जिलाधिकारी को सौंपेंगे ज्ञापन। हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष निगम लगातार बने हुए हैं। आशीष, राजनीतिक रंग देने की कोशिश अब मेयर के समर्थकों की तरफ से? बिल्कुल गायत्री, सबसे बड़ी बात है कि अभी भी जो कल यहाँ पानी भरा था शहर के कई घरों में, अभी भी पानी भरा हुआ है, लेकिन बावजूद इसके पूरी तरह से घटना को राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। और चूंकि भाजपा के यहाँ पर मेयर हैं मनोज गर्ग, और उनके साथ जो भाजपा के पार्षद हैं और तमाम जो नगर निगम कर्मचारी हैं, उन्होंने बकायदा यहाँ पर तालेबंदी की है, जबकि इस समय उनको चाहिए था कम से कम जनता के बीच जाएं, कम से कम वहां से जहां जहां पानी जिन घरों में जाकर जमा हो गया है उनको वहां से निकालने की कोशिश की जाए, लेकिन बावजूद इसके पूरी स्थिति यहाँ पर उलट है। खुद तालेबंदी कर रहे हैं नगर निगम में, कोई काम हो नहीं रहा है, नगर निगम पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है, नगर निगम में कोई वित्तीय संसाधन रह नहीं गए अब, और केवल राजनीति बिल्कुल यहाँ पर निकल कर आई है। और जिस तरह इन लोगों ने लगातार यहाँ पर बकायदा आज तालेबंदी की है, सतपाल महाराज का पुतला फूका है, और सबसे बड़ी बात है कि जो कल यहाँ पर सफाई कर्मचारियों ने प्रेम नगर आश्रम का जो कूड़ा डाला था वो अभी भी वैसे ही वहां पर पड़ा हुआ है। तो जनता के सरोकारों से किसी को नहीं मतलब है, केवल अपनी राजनीति चमकाने में ही लगे हैं। बिल्कुल, अपनी राजनीति चमकाने में जुटे हैं दोनों ही तरफ के पक्ष, दोनों ही तरफ के समर्थक। शुक्रिया आशीष, तमाम जानकारी हमें देने के लिए।
बढ़ते आगे, मसूरी के पास रिखोली में स्कॉर्पियो के खाई में गिरने का मामला सामने आया है, जिसमें 3 लोग जख्मी और 1 की मौत की खबर है। हालांकि जानकारी मिलने पर मौके से एसडीआरएफ की टीम पहुंची और रेस्क्यू कर घायलों को निकाला बाहर। बताया जा रहा है कि घटना के बाद स्कॉर्पियो में सवार घायल महिला ने एसडीआरएफ की टीम को फोन कर जानकारी दी थी, जिसके बाद टीम ने मौके से पहुंचकर 2 महिलाओं और 1 घायल पुरुष को बाहर निकाला, जबकि ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। तो रेस्क्यू कर एसडीआरएफ ने घायलों को बाहर निकाला और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। खाई में गिरी स्कॉर्पियो, 3 लोग जख्मी हुए, जबकि इस हादसे में 1 की मौत की खबर आ रही है। घायल महिला ने एसडीआरएफ को फोन कर जानकारी दी और उसके बाद एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और जो लोग जख्मी हुए इस हादसे में उनको बाहर निकाला गया। 3 लोग जख्मी हुए, जबकि 1 शख्स की मौत की खबर है। बताया जाए कि ड्राइवर की मौत हो गई हादसे में, 2 महिला और 1 पुरुष जख्मी हुए हैं स्कॉर्पियो की खाई में गिरने। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रेस्क्यू करते हुए, एसडीआरएफ की टीम जब रेस्क्यू करने के लिए पहुंची थी, दरअसल कि स्कॉर्पियो में सवार थे ये सभी और स्कॉर्पियो हादसे का शिकार हुई, गहरी खाई में जा गिरी, जिसके चलते 1 पुरुष और 2 महिला इस पूरे हादसे में जख्मी हुए, जबकि ड्राइवर की मौत हो गई। बढ़ते आगे और अब बात चमोली की, जहां बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग खुला। आपको बता दें लामबगड़ में 36 घंटे बाद खुला है ये हाईवे। बारिश से बंद पड़ा था ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग, लामबगड़ में मलबा आने के चलते बंद था। कड़ी मशक्कत के बाद पिनौला घाट और पागल नाला से मलबा हटाया गया, मलबा हटाकर यातायात सुचारू किया गया। तो लामबगड़ में मलबा आने के चलते ये हाईवे बंद था, लेकिन अब जानकारी ये कि ये हाईवे खुल गया है। एक्सक्लूसिवली आपके सामने सीधे रुक कर लेते हमारे संवाददाता सुरेंद्र की तरफ, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, काफी घंटों बाद काफी मशक्कत करनी पड़ी इस हाईवे को खोलने के लिए। जिस तरह से बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग जो लामबगड़ के पास है वो एक चुनौती बना हुआ है बीआरओ के साथ, जो स्थानीय प्रशासन को भी, क्योंकि देश विदेश से आने वाला जो श्रद्धालु था वो बार बार लामबगड़ में फंस जाता। पिछले दिन 3 दिनों के बाद लामबगड़ खुला था, लेकिन बीआरओ की और जो वहाँ पे एसडीआरएफ और पुलिस की टीम वहाँ पे लगातार मौजूद थी, यात्रियों को सुरक्षा 1 किलोमीटर पैदल लेके जाया जा रहा था, लेकिन जैसे ही आज रोड खुला तो राहत की सांस एक जहां प्रशासन और बीआरओ ने ली, वहीं जो बद्रीनाथ आने जाने वाले जो श्रद्धालु थे उन्होंने भी राहत की सांस ली। और अभी जो यहां पे मौसम की अगर बात करें तो मौसम खुला है, इससे भी काफी राहत बीआरओ को मिली है और स्थानीय प्रशासन को मिली है। चलिए शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी हमें देने के लिए। लगातार हुई बारिश की वजह से रुद्रप्रयाग में यातायात व्यवस्था पटरी से उतर गई है, मलबा जमा होने की वजह से 23 लिंक रोड पूरी तरह से बंद पड़े हैं। प्रशासन मार्ग खोलने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहा है, जिसका सीधा असर करीब 15,000 की आबादी को झेलना पड़ रहा है। आपको बता दें जिले में लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, विश्व बैंक और एडीबी के पास कुल 189 सड़कें हैं, जिनमें से कई तो निर्माणाधीन है और कई सड़कों का काम बजट की कमी के चलते अटका पड़ा है। तो मलबा जमा होने से 2 दर्जन लिंक रोड बंद है। आज की तिथि में कुल छोटी बड़ी 23 सड़कें अवरुद्ध हैं, इसमें एक स्टेट हाईवे है जिसे आधे घंटे में खोल लिया जाएगा, बाकी कम प्राथमिकता वाली विलेज रोड्स हैं। हमारे साथ लगभग 10-12 जेसीबियां काम कर रही हैं जो विभिन्न खंडों की हैं और अधिकांश सड़कें आसान तक ही खुल जाएंगी। और अब बात नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के बयान की। इंदिरा हृदयेश ने बयान दिया है, NH-74 घोटाले मामले पर ढीली पड़ी त्रिवेंद्र सरकार, ये कहना है इंदिरा हृदयेश का। सीबीआई ने अब तक जांच के मामले में नहीं दी है संस्तुति, सरकार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस के नाम पर चल रही डबल इंजन सरकार केवल सीबीआई का दुरुपयोग करने में जुटी है। तो ये बड़ा आरोप इंदिरा हृदयेश की तरफ से, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जिनकी तरफ से ये बड़ा हमला सरकार पर, बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सरकार करप्शन पर जीरो टॉलरेंस के नाम पर जनता को छल रही है। इंदिरा हृदयेश ने कहा कि डबल इंजन सरकार केवल सीबीआई का दुरुपयोग करने में जुटी है। हल्द्वानी से हम खबर, जहां पर इंदिरा हृदयेश ने यह बयान दिया, नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जिनकी तरफ से कहा गया है कि सरकार जीरो टॉलरेंस के नाम पर जनता को छल रही है। बढ़ते आगे, छात्र संघ चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। डीएवी महाविद्यालय में 31 अगस्त को होगा मतदान, 1 सितम्बर को होगी छात्र संघ चुनाव की मतगणना। राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है छात्र संघ चुनाव। 31 अगस्त को होगा डीएवी महाविद्यालय में मतदान, ये जानकारी मिल रही है। 1 सितंबर को होगी छात्र संघ चुनाव की मतगणना। तो आपको बता दें राजनीतिक दलों की प्रतिष्ठा से दरअसल छात्र संघ चुनाव जुड़ा होता है, इसके चलते दल भी
काफी जोर आजमाइश करते हैं। तो छात्र संघ चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। बहरहाल बढ़ते हैं आगे और अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। उत्तराखंड के सबसे बड़े डीएवी कॉलेज में छात्र संघ चुनाव की तैयारियां जोरों पर है, लेकिन यहां लिंगदो समिति की सिफारिशों की धज्जियां भी जमकर उड़ाई जा रही हैं। नियमों को ताक पर रखकर छात्र नेता रैलियां निकाल रहे हैं और जमकर नारेबाजी भी हो रही है। हालांकि कॉलेज के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का दावा है कि छात्र संघ चुनाव में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाएगा और छात्रों को भी इसका हर हाल में पालन करना होगा। देखिए, हमारा तो पूरा जोर लिंगदो समिति के सिफारिशों के अनुरूप ही चुनाव कराना होगा। हम सख्ती से उसका अनुपालन कराएंगे और जो अभी एक माहौल चल रहा है, जैसे ही अधिसूचना जारी होगी उसमें एकदम से परिवर्तन आ जाएगा। राज्य में स्वाइन फ्लू से अब तक एक दर्जन से ज्यादा मौत हो चुकी है, जबकि 5 दर्जन से ज्यादा लोगों में स्वाइन फ्लू की पुष्टि भी हुई है। लेकिन सरकारी दावों में आज भी स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बताई जा रही हैं। राज्य की स्वास्थ्य सेवाएं अपनी बदहाली का रोना रो रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से महज दिशा निर्देश जारी कर ही जिम्मेदारियों की इतिश्री हो रही है। आलम यह कि हर बार स्वाइन फ्लू और डेंगू से बचाव के लिए बैठकें होती है, लेकिन उनकी मॉनिटरिंग का समय तक किसी के पास नहीं। सीएम के स्वास्थ्य सलाहकार ने अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए सुविधाओं में सुधार के लिए कहा है, लेकिन अधिकारियों की तरफ से कोई तैयारी नहीं दिख रही। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से आप लोगों को पूरा एश्योर करता हूं कि हमारे विभाग के स्वाइन फ्लू और डेंगू की 100% तैयारी है। मैंने आज भौतिकी निरीक्षण भी करा, हमारे बेड्स, हमारी जो दवाइयां हैं, हमारे डॉक्टर्स कंप्लीट रेडी हैं, हमारे डॉक्टर ट्रेंड हैं। और जितने जो प्राइवेट अस्पताल हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि अगर आपको ऐसा कोई भी गंभीर रोगी मिलता है तो कृपया करके उसको आप डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में इधर भेजें। उधर हल्द्वानी में एमबीपीजी कॉलेज में उत्तर प्रदेश के कई फर्जी संस्थानों के प्रमाण पत्रों के सहारे एडमिशन लेने के मामले का खुलासा हुआ है। कॉलेज में ऐसे एक दर्जन से ज्यादा मामले सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने सबके एडमिशन निरस्त कर दिए और साथ ही दस्तावेजों की जांच के निर्देश भी दिए। ऑनलाइन आवेदन के बाद ये सभी काउंसलिंग में पकड़े गए हैं। बताया जा रहा है कि यूपी के 10 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों से छात्र फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर एमबीपीजी कॉलेज में दाखिला लेने की तैयारी में थे। एमएचआरडी की वेबसाइट पर पूरी इंडिया भर में जो सीनियर और सेकेंडरी एजुकेशन के रिकॉग्नाइज बोर्ड हैं, पूरी लिस्ट दी गई है। जिन बोर्ड का नाम उनना उनके तो ठीक है, कई ऐसी मार्कशीट हमारे पास आई है, उसमें ऐसे बोर्ड के नाम लिखे गए जो उस लिस्ट में है ही नहीं, वो फेक है, तो उनका एडमिशन नहीं। डोईवाला में कलेक्टर लेवल फेडरेशन के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां सीएम रावत की मौजूदगी में सीएलएफ और टाटा मोटर्स के बीच एमओयू साइन हुआ। आपको बता दें, संदेश सीएलएफ एक ऐसा स्वयं सहायता समूह है जो कि न्याय पंचायत स्तर पर बनाया गया है। इस कार्यक्रम का मकसद सरकार का ध्यान आकर्षित करना है, जिसे समूह की महिलाओं को रोजगार मिल सके। सीएम ने कहा कि महिलाओं के उत्थान के लिए सरकार हमेशा प्रयासरत रहेगी। हमारी जो मुख्यमंत्री को बुलाने की जो मंशा है उनको अपने बीच में, हम चाहते हैं कि हमारे स्वयं सहायता समूह की तरफ, जो हमारे पूरे उत्तराखंड में जो हमारे स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, सीएम साहब से हमारा निवेदन है कि वो हमारे स्वयं सहायता समूह पर ध्यान दें और हमारी जो रोजगार की, हमारी जो गरीब महिलाएं हैं उनको रोजगार का ध्यान दें कि उनको रोजगार मिलना चाहिए। टाटा केमिकल्स का एक ट्रस्ट है, उदय फाउंडेशन, जो ग्रामीण आजीविका के लिए काम करता है, और उसके तहत हम लोगों ने ये संदेश सीएफएल जो है, सीएलएफ है, उनके साथ एक एमओयू किया है। इसके अंदर हम लोग पीने का स्वच्छ पानी के लिए वाटर प्यूरिफायर प्रदान करेंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरे प्रदेश में 13 अगस्त को तिरंगा यात्रा निकालने का ऐलान कर चुका है। देहरादून में तिरंगा यात्रा में सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट शिरकत करेंगे। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने ये जानकारी देते हुए बताया कि यात्रा का मकसद युवाओं में देशभक्ति की भावना को जगाना है। इन दिनों नैनीताल के नमक की मांग 7 समंदर तक बढ़ने लगी है, क्योंकि नैनीताल के गांव में महिलाएं 24 तरह के फ्लेवर्स में स्वादिष्ट नमक बना रही हैं। औषधीय गुण और लाजवाब स्वाद की वजह से देश ही नहीं बल्कि विदेश के लोग भी इस जायकेदार नमक के दीवाने हो गए हैं। असल में नैनीताल अल्मोड़ा की सीमा पर बसा छोटा सा गांव, जिसकी पहचान अब वहां बनने वाले जायकेदार नमक से हो रही है। पहाड़ी सलीके और सिलबट्टे पर
पीसे जा रहे हिमालयन फ्लेवर के नमक ने अमेरिका को भी अपना दीवाना बना लिया है। नमक बनाते हैं यहाँ 24 फ्लेवर के अलग अलग में, और लाभदायक जैसे तिमूर का बनाते हैं तो दांत दर्द के लिए अच्छा है। हींग जीरा काला नमक और काली मिर्च होता है, वो पेट वेट के लिए गैसेस के लिए होता है। काला जीरा होता है थोड़ा हार्ट वार्ट के लिए सही होता है वो, और बाकी नमक सारे हमारे जैसे लहसुन के इसके तो सब लोगों को पसंद है यहाँ का नमक। जब भी मैं घर जाता हूँ वो देखा यहाँ पे कि मतलब बहुत अच्छा नमक है ये, और इसको मैं लेके जाता हूँ यहाँ पे। बहुत अच्छी प्रजातियाँ बनाई जाती हैं ये लपट्टे पे पीस के, खुद हाथ से मतलब नेचुरल बना के पीस के बनाते हैं, और बिल्कुल मतलब साफ सुथरा जो है। वो जब भी मैं घर जाता हूँ तो 10-12 पैकेट लेके जाता हूँ। स्वास्थ्य के लिए तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि कोई मिलावट नहीं है। क्वींस अस्पताल लंदन के साथ मिलकर देहरादून का मैक्स अस्पताल घुटने और कूल्हे की नई तकनीक पर काम कर रहा है, जहां जोड़ प्रत्यारोपण से जुड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज अत्याधुनिक नेविगेशन टेक्नोलॉजी से किया जाएगा। देहरादून में आयोजित संयुक्त पत्रकार वार्ता में मैक्स अस्पताल में जोड़ प्रत्यारोपण के विशेषज्ञ डॉक्टर गौरव गुप्ता ने बताया कि अभी तक घुटने और कूल्हे का जोड़ प्रत्यारोपण एक बड़ी समस्या थी, लेकिन नई अत्याधुनिक नेविगेशन टेक्नोलॉजी से इससे पीड़ित मरीजों को पूरी तरह से राहत मिलेगी। टेक्नोलॉजी लगातार इम्प्रूव हो रही है समय के साथ, और अब ये काफ़ी यूजफुल है क्योंकि अब हमें ये टेक्नोलॉजी गाइड करती है परफेक्ट रिजल्ट अचीव करने के लिए। जॉइंट रिप्लेसमेंट में हमेशा से ये थोड़ा डाउट रहता था कि कितना चलेगा ऑपरेशन के बाद, वो प्रिडिक्शन हम नहीं कर पाते थे कि ये 10 साल भी चल सकता है, 15 साल भी चल सकता है। बट अगर हम उसी सर्जरी को एक्यूरेट बना दें, उसी सर्जरी को हम हर बार एक सी कर पाएँ और जो हमारा इम्प्लांटेशन है वो परफेक्ट हो।